सुबह की फिजा फिजा। ये आप मेरे सिक्सर पे हंस रहे जो मैंने एनीवे कोई बात नहीं। अच्छा अब जिन भाई बहन को आप कह सकते हैं कि हम बुलाने जा रहे हैं, बड़े प्यारे से क्यूट से भाई बहन हैं, और नाज़िया हसन ज़ोहेब हसन के बाद काफ़ी मैंने देखा लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो भाई बहन के कपल की सूरत में जो है उन्होंने अपनी सिंगिंग करियर स्टार्ट किए। उनमें से एक और कपल बड़ा क्यूट सा छोटा सा कपल है, 2 साल हुआ इनको अपना करियर स्टार्ट किए हुए। आज दोनों भाई बहन ख़ास हमारे इस इवेंट को अच्छा बनाने आए, शो को अच्छा बनाने आए, तो क्यों ना हम उनको इनवाइट करें। तो आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता सब है पता। तुझे सब है पता मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झुलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे सोचू यही आगे कावे तेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। क्या बात है, आइए जी क्या बात है। नाज़िश
और फैसल, क्या बात है, है आते के साथ ही छा गए, माँ की याद दिला दी है मेरी तो। खैर अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है तो मुझे तो याद आई गई, और बाकी तो सबकी माशाल्लाह माए जो है वो बच्चे जो है समझे आपके लिए गा रहे थे। तो एक कॉल भी है साथ साथ लेते। अस्सलाम वालेकुम। सलाम फिजा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अस्मा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह कर, देखे आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। बच्चे हमें अपना बचपन ना याद आ रहा है। बचपन याद आ रहा है ना? जी जी बिल्कुल, बहुत एंजॉय करते थे बचपन में, तो अब तो लाइफ क्या बात है, हो गई है ना, ऐसे ही होता है। अच्छा आज हम एक सवाल कर रहे हैं साथ, क्योंकि आप पहली कॉल है तो आपके साथ ही सवाल का आगाज करते हैं। आज हमारा सवाल ये है कि ऐसी क्या बात है कि आप अपने घर में द बेस्ट कहलाती है? क्या कहलाती है? ऐसा क्या काम करती हैं घर में जिसकी वजह से आप द बेस्ट हैं अपने घर में? बेस्ट, या सिर्फ घर में? घर में बेस्ट, घर में बेस्ट कैसे? हाँ, घर में कैसे बेस्ट? घर में मैं सबसे, यानी कि मैं एंजॉयमेंट, यानी मजाक मस्ती, ये यानी कि बातें शाते जो करनी होती है ना, खामोश किसी को नहीं रहने देती। जब कोई खामोश बैठा होता है, कोई अच्छी सी बात कर देती, कोई मजाक मस्ती वाली, सबको हंसाना। इसलिए मैं यही कहूंगी कि घर में कोई भी सीरियस नहीं बैठ सकता, मजा नहीं आती। मतलब आपकी वजह से घर में रौनक है, आप बड़ी घर की धड़कन है। सही, बिल्कुल सही बात है। मेरे हस्बैंड भी कभी सीरियस होते हैं तो आते हैं घर पे, थके हुए होते हैं तो इनको कोई ऐसी वैसी बात टेढ़ी मेढ़ी करके, कोई यानी के जोली अंदाज में करती है, तो वो फिर मुस्कुराने लगते और हंसने लगते, तो थोड़ी थकान इनकी भी थोड़ी खत्म हो जाती है। क्या बात है, बड़ी मजे की रौनक की बात बताई आपने, थैंक यू सो मच। अस्मा, हम प्रोग्राम के एंड में बताएंगे कि आपको हमारा गिफ्ट मिलता है या नहीं, ठीक है ना? बट बहुत प्यारी कॉल थी जी। नाजिश और फैसल से जरा स्टार्ट करते हैं। आपस में कितना लड़ते हैं दोनों भाई बहन, जरा बताएं तो हमें। देखिए जी, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ तो होती है। होती है जी, वही। नाजिश तो है छोटी हमारी, नन्नी मुन्नी सी, क्यूटी सी। कितना सताते हैं आप उसको? लेट आते हैं घर पे, लेट दरवाजे खोलती होंगी, है ना? सच बताओ। ये जब जाने लगते हैं तभी मेरा पहला सवाल ये होता है, कहाँ जा रहे हैं भाई, आएंगे कितने बजे भाई। भाई ये तो नाज़िम बहनों का ही काम होता है, और बहनें इसलिए ना अपने भाइयों की लाडली होती हैं, क्योंकि आधी आधी रात को उठ के दरवाजे खोलती हैं। आप सब ने, आप सबके भाई जो 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 होंगे, आप सब ने ये काम किया होगा, मैंने मिम समेत, है ना, खोलती हैं दरवाजे आधी आधी रात को जी। और वैसे आपका तो फील्ड ऐसा है कि आप लेट हो जाते होंगे। हाँ जी, देर सवेर। अमूमन हम साथ ही होते हैं, अमूमन तो दोनों ही लेट होते हैं। अच्छा, इधर तो कहानी उल्टी है, इधर बजाना था, दोनों ही लेट होते हैं। मगर खैर, छोटा सा एक हमारा वक्त दोबारा हुआ चाहता है ब्रेक का, मगर ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो फिर हम एक सेगमेंट जो है वो हमारा शुरू कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन हमारा, जिसमें बच्चों को जो है वो कपड़े वपड़े जो है चेंज करवाए जाएंगे, तो बहुत इंजॉय करेंगे। आप जाइएगा कहीं मत, क्योंकि ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और ब्रेक के बाद जो है ना, सच बता रही हूँ, गेम खेलेंगे। टेक अ ब्रेक। फिजा, फिजा।